नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। वीडियो 74 में हमने देखा मुहम्मद ने छठी शताब्दी में अरब की पुरानी संस्कृति को जड़ से मिटाकर इस्लाम की नई संस्कृति स्थापित की, और कमोवेश वैसे ही भारत में 8वीं सदी के बाद भारत की चली आ रही सम्यक संस्कृति के ऊपर शैव पंथ ने कब्जा कर लिया। बुद्ध और अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्तियों को शिवलिंग बना दिया गया, स्तूपों को शैव मंदिर बना दिया गया। अगर आपने वीडियो 74 नहीं देखा है तो एक बार जाकर आप जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कैसे वैष्णव पंथ ने बुद्ध और अवलोकितेश्वर बुद्ध और उनके स्तूपों पर डेरा डालकर आज भी अपना जीव को पार्जन कर रहे हैं। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि ब्राह्मण धर्म के जो तीन पार्ट है, शैव, शाक और वैष्णव, इसमें से शैव और वैष्णव दोनों ही पूर्ण रूप से दक्षिण भारत से अस्तित्व में आए हैं। शैव पंथ जिसके संस्थापक केरल के शंकराचार्य थे जो कि 8वीं सदी के थे, वहीं वैष्णव पंथ की स्थापना तमिल के रामानुजाचार्य जिनका जन्म 1050 ईस्वी में हुआ था को जाता है। यही नहीं, ब्राह्मण धर्म का जो सबसे पुराना ग्रंथ वेद माना जाता है उसका भी पहला टीका दक्षिण भारत के ही हरिहर और बुक्का साम्राज्य के जो मंत्री थे सायण 14वीं शताब्दी में उनको जाता है। ब्राह्मण धर्म की जो शाक्त परंपरा है वह बंगाल सहित दक्षिण भारत में भी देखने को मिलती है, लेकिन इन पंथों की स्थापना के लिए ब्राह्मणवाद ने 8वीं सदी के बाद, 10वीं सदी के बाद, 12वीं सदी के बाद, यहाँ तक कि मुगल काल और अंग्रेजों के काल में इतनी फालतू और फलीदे वाली कहानियां गढ़ी जिससे लोगों में काफी भ्रम पैदा हो गया। उसने जितने भी अपनी किताबें लिखी उसमें कहीं भी डेट को मेंशन नहीं किया। यह हम सभी जानते हैं कि ब्राह्मणों ने सारा लेखनी पिछले 1000 साल के अंदर आई हुई लिपि देवनागरी में की है। जरा सोचिए, जब ये 1000 साल के अंदर किताबें लिख रहे थे तो उस समय इनने डेट मेंशन क्यों नहीं की कि इन्हें कहां से ये कहानियां पता चली। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, क्योंकि इनने सम्यक संस्कृति के ऊपर ही अपने पथों को, अपने मतों को काबिज किया था, और इस षड्यंत्र को दबाने के लिए उन्होंने तरह तरह की काल्पनिक कथाएं रची बुनी। और तो और, इनने अपने सभी काल्पनिक पात्रों को भी बुद्ध से पहले ले जाकर स्थापित करने की कोशिश की, जिसके चक्कर में इनने तरह तरह के कालखंड रचे बुने, जैसे सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। तो आइए देखते हैं कि वैष्णव मत कैसे अस्तित्व में आया। दरअसल 1050 ईस्वी में जन्म लिए हुए रामानुजाचार्य जो कि तमिल से थे, वो भी शैव पंथ में ही अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण किए, लेकिन उन्हें शैव मत का, अद्वैतवाद का सिद्धांत यानी कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम पसंद नहीं आया। तो उनने अपनी एक नई धारा शुरू की जिसे कि द्वैत वाद कहा गया, और ये द्वैतवाद यानी कि अवतारवाद की कल्पना की गई। इसीलिए आप देखेंगे कि जो ब्राह्मण धर्म की ये मूल शाखाएं हैं, चाहे वो शैव हो या शाक्त हो, उनमें अवतारवाद देखने को नहीं मिलता, लेकिन वैष्णव मत में अवतारवाद की संकल्पना होती है। कभी ये कछुए को भी अवतार बता देते हैं, तो कभी ये मछली को भी अवतार बता देते हैं, सुअर तक को भी इनने अवतार बना रखा है, और जानवर और इंसान की मिश्रित नरसिंह को भी इनने अवतार बना रखा है। यहाँ तक कि इनने बुद्ध को भी अवतार घोषित कर दिया है। जरा सोचिए, ये कहानियां भारत की मूल संस्कृति, सम्यक संस्कृति की कीमत पे बुनी जा रही थी। आइए देखते हैं कि वैष्णव मत के वो कौन कौन से मंदिर हैं जो पहले सम्यक संस्कृति का हिस्सा थे, उस पर वैष्णव पंथ ने अब कब्जा कर रखा है। सबसे पहला है तिरुपति मंदिर, पुराना नाम त्रिवेंगदम है। चोल वंश जो कि 9वीं सदी से 13वीं सदी के बीच के कालखंड में थे, उन्होंने इस मंदिर को स्थापित किया था। कहा जाता है कि चोल वंश ने लगभग 1400 मंदिरों के निर्माण करवाए थे, और इन सभी मंदिरों में अवलोकितेश्वर बुद्ध की ही झलक देखने को मिलती है। अवलोकितेश्वर बुद्ध क्या हैं, उनके बारे में डिटेल से जानने के लिए आप वीडियो 74 जरूर देख लीजिएगा। इस मंदिर में स्थापित, जिसे तिरुपति बालाजी या वेंकटेश्वर भी कहा जाता है, को अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि ये तो अवलोकितेश्वर बुद्ध ही हैं। इस मूर्ति के एक हाथ में शंख है, जैसा कि अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्तियों में होना आम बात होती है। इसका अर्थ है अज्ञानता से उठकर अच्छे कर्म और दूसरों की भलाई करना। दूसरे हाथ में चक्र है जो बौद्ध मार्ग में धर्म चक्र को बढ़ाते रहने की पहचान है। तीसरे हाथ में गदा रखे हुए हैं जो कि शक्ति का प्रतीक है। इस मूर्ति के मुकुट के अंदर घुंघरेला बाल यानी कि मथुरा कला में निर्मित बुद्ध की मूर्ति को आप साफ तौर पर देख सकते हैं। मूर्ति के कान की बनावट भी मथुरा कला वाली ही है, यानी कि ये लंबी है। साथ ही साथ नाक
और मुंह की बनावट भी आप साफ तौर पे देख सकते हैं। इसके साथ ही एक और परंपरा यहाँ पे देखने को मिलती है जो कि सिर्फ और सिर्फ बौद्ध अनुयायियों में देखी जाती है, वह है सर मुंडन की परंपरा। 15वीं शताब्दी तक विजयनगर शासन के अभिलेख के अनुसार यहाँ पे यह मंदिर उतना फेमस नहीं था, लेकिन आज की डेट में अंधभक्तों ने इसे चरम पे पहुंचा दिया है। दूसरा है बद्रीनाथ मंदिर। भारत के चार प्रमुख धामों में से एक बद्रीनाथ धाम भी है। पूर्व काल में बौद्धों की ही एक शाखा वज्रयानी परंपरा वाले लोग मार्गदाता गौतम बुद्ध की मूर्ति को यहाँ पे स्थापित किए हुए थे, लेकिन 8वीं सदी में जब केदारनाथ के आसपास शैव मत का प्रभाव बढ़ने लगा और उसने अपने सहयोगियों की मदद से जिस तरह से बौद्धों का विनाश करवाया, जैसा कि मैंने वीडियो 50 और 53 में भी दिखाया है, उस कारण बौद्ध वहां से तिब्बत तथा अन्य देशों की तरफ पलायन करने को मजबूर हो गए थे। उसके बाद आदि शंकर के अनुयायी लोग बुद्ध की मूर्ति को अलकनंदा नदी की बगल वाले तप्त कुंड में फेंक दिए थे। फिर 11वीं सदी में तमिल के रामानुजाचार्य, जिनने वैष्णव पंथ की स्थापना की थी, उस तप्त कुंड से बुद्ध की मूर्ति को निकलवा कर उसे विष्णु का अवतार कहते हुए अलकनंदा नदी के किनारे ही स्थापित करवा दिए। चूंकि वहां के जंगलों में बेर यानी कि बद्री के पेड़ बहुत ज्यादा थे, इसीलिए उसका नाम बद्रीनाथ रखा गया। आज जो बद्रीनाथ की आप संरचना देख रहे हैं, यह 15वीं सदी में गढ़वाल के राजा, जो कि वैष्णव मत से ही थे, उनने करवाई थी। एक बार फिर से इस बद्रीनाथ में स्थापित मूर्ति को आप ध्यान से देख लीजिए। वैष्णव मत द्वारा कब्जाया हुआ तीसरा फेमस मंदिर है मुक्तिनाथ मंदिर। यह नेपाल राष्ट्र के मुस्तांग जिले में अवस्थित है। इस मंदिर के बारे में तरह तरह की कहानियां प्रचलित है। कुछ लोग कहते हैं यहाँ पे विष्णु और आदिदेव महादेव का निवास स्थल है, तो कोई कहता है कि यहाँ पे भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और गरुड़ विराजमान है। लेकिन आप मंदिर में विराजित तीनों मूर्तियों को गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये तो मार्गदाता गौतम बुद्ध की मूर्तियां हैं। इस मूर्ति में कान की बनावट आप देखिए, यह लंबी है, जो सिर्फ बुद्ध की मूर्तियों में ही पाई जाती है। मुख्य मूर्ति के एक ओर महिला बोधिसत्व तो दूसरी ओर पुरुष बोधिसत्व की मूर्ति विराजित है, और यही कारण है कि आज भी इसमें एक महिला पुजारी तैनात रहती है जो कि बौद्ध मार्गी होती है। एक बार फिर से इस मूर्ति को आप ध्यान से देख लीजिए। इस मुक्तिनाथ स्थल को बौद्ध मतावलंबी भी अवलोकितेश्वर बुद्ध के रूप में पूजते हैं। वैष्णव पथ द्वारा काबिज लक्ष्मण मंदिर सिरपुर छत्तीसगढ़। यह मंदिर ऐतिहासिक दृष्टि से काफी फेमस है। कुछ लोगों ने अफवाह उड़ा रखी है कि यह 6वीं सदी का विष्णु मंदिर है, लेकिन जब यहाँ पे उत्खनन हुआ तो यहाँ पे गुप्तकालीन बौद्ध के बहुत सारे अवशेष देखने को मिले और एक अभिलेख भी मिला जिसमें लिखा हुआ है कि इस मंदिर का निर्माण हर्षगुप्त की विधवा रानी बास्टा देवी ने 6वीं शताब्दी में कराया था। अब जरा सोचिए, वैष्णव मत तो 11वीं सदी में रामानुजाचार्य द्वारा स्थापित किया गया, तो यह कैसे 11वीं सदी से पहले ब्राह्मणों का मंदिर हो सकता है? दूसरी बात कि गुप्त काल में या हर्षवर्धन काल में कभी भी किसी भी ब्राह्मणों का मंदिर या मूर्ति नहीं पाया गया। तीसरी बात कि यहाँ पे उत्खनन में उस समय के जितने भी प्रमाण मिल रहे हैं वो सारे के सारे बुद्ध मूर्तियों से रिलेटेड हैं। अब इस मंदिर में स्थापित बुद्ध की मूर्ति को ध्यान से देखें, यह तो अवलोकितेश्वर बुद्ध ही है। इस मंदिर को तीन भागों में बांट कर निर्माण कराया गया है। प्रथम भाग मंदिर का गर्भगृह है, जिसमें अवलोकितेश्वर मुद्रा में मार्गदाता बैठे हुए हैं। दूसरे भाग में मंदिर का निकास द्वार है, जिसमें नक्काशी द्वारा बुद्ध का अवलोकितेश्वर कई मुद्राओं में उनकी मूर्ति नक्काशी की गई है। तीसरा, इसके बाहर एक मंडप नुमा आकृति की बनावट मिली है, जिसमें कई खंभों द्वारा लोगों को ध्यान साधना हेतु बैठने की व्यवस्था रही होगी। इन सभी खंभों पर बुद्ध की ही आकृति देखने को मिलती है। और सबसे खास बात कि हैन सोंग ने भी अपनी यात्रा वृतांत में इस स्थल में निर्मित सभी बुद्ध विहारों की चर्चा विस्तार से कर रखी है। अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे जब लोग ये कहते हैं कि गुप्त काल का यह मंदिर है, वह वास्तव में बौद्ध ही मंदिर होता है, बौद्ध स्तूप ही होता है, लेकिन जब बाद में 10वीं 11वीं 12वीं सदी में इन्हें शैव मत, वैष्णव मत या शाक्त मतों ने जब कब्जा लिया, तो फिर वहां से वो ब्राह्मण धर्म के मंदिर में कन्वर्ट हो गए। लेकिन गलतफहमी यह
पैदा कर दी जाती है कि नहीं नहीं वो तो गुप्त काल के मंदिर है। अब यही घालमेल को आपको समझना है कि ये 10वीं-11वीं सदी से पहले बौद्ध मंदिर या बौद्ध स्तूप हुआ करते थे। अष्टभुजी तेगुन गुरु मंदिर, यह भी वैष्णव पंथ द्वारा काविज मंदिर है जो कि छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में शक्ति से 10 किलोमीटर, खरसिया से 14 किलोमीटर पर जांजगीर चांपा जिले में अंडभार नगर बसा है, जिसे 850 ईस्वी से पूर्व काल में अष्टद्वार नगर कहा जाता था। यहाँ लगभग 5 किलोमीटर की परिधि में गुप्त काल के खगोलीय वैधशाला एवं बौद्धिक शिक्षा का केंद्र भी उत्खनन से प्राप्त हुआ है और साक्ष्य के रूप में यहाँ पे बहुत सारी खंडित मूर्तियों के अवशेष देखने को मिलते हैं। इस मंदिर में विराजित मुख्य मूर्ति के बगल में काले पत्थर से बनी हुई देगुन गुरु की मूर्ति को ध्यान से देखिए। साथ ही इस मंदिर में बिखरे हुए अष्ट कमल की आकृति वाली मुद्रासन भी देखें, जिस अष्ट कमल पर गौतम बुद्ध की मूर्ति स्थापित है, इसको आप एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए। इसी तरह से उड़ीसा का सूर्य मंदिर, यह भी वैष्णव पथ द्वारा काविज मंदिर है। वैसे तो उड़ीसा का सूर्य मंदिर आज सभी वैदिक अनुयायियों हेतु चमत्कारिक मंदिर है, लेकिन इसमें क्या चमत्कार है आइए उसको देख लेते हैं। दरअसल इस मंदिर के चमत्कारिक मूर्ति को काला पहाड़ नाम के एक मुस्लिम शासक ने तोड़कर इसमें रखी मूर्ति को समुद्र में फेंक दिया था, तब कोई भी चमत्कार नहीं हुआ था। इस मंदिर का पुनरुद्धार 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव के द्वारा करवाया गया था। अब इस मंदिर की बनावट को आप ध्यान से देखें। इस मंदिर की बनावट में दो प्रकार की शैली और दो कालखंड के साथ दो प्रकार के पदार्थों का प्रयोग साफ साफ दिखेगा। पहला काले पत्थर से बनी मूर्ति है जो गुप्त काल की प्रतीत होती है और दूसरी बनावट 13वीं शताब्दी के आसपास की दिखती है जिसमें बलुआ पत्थर की मूर्ति है। अब आपको स्वयं यह तय करना है यह मंदिर नरसिंह देव ने बनवाया था या फिर यह पूर्व काल की रही किसी अन्य स्थल के बनावट को बदलते हुए उन्होंने सिर्फ इस मंदिर का पुनरुद्धार करवाया था। इसमें सबसे आश्चर्य करने वाली बात यह है कि इसमें जो अष्टांगिक मार्ग के चक्र वाली बनावट की भरमार है, जिसे आज रथ का ये लोग पहिया बोलकर प्रचारित करते हैं, लेकिन इस चक्र के बनावट पर अगर आप गौर फरमाएं तो यह 8 अंगों वाले अष्टांगिक मार्ग है और यह अष्टांगिक मार्ग सिर्फ और सिर्फ बौद्ध परंपरा में ही देखने को मिलती है। देव का सूर्य मंदिर बिहार, यह भी वैष्णव पंथ द्वारा काविज मंदिर है। यह मंदिर औरंगाबाद जिला के दक्षिण पूर्व में 10 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मंदिर का शिल्प कला भी उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर से मिलता जुलता है। यह दो भागों में बना है, पहला गर्भगृह जिसके ऊपर कमल के आकार का शिखर है, शिखर के ऊपर सोने का कलश है। दूसरा भाग मुख मंडप है जिसके ऊपर पिरामिड नुमा छत और छत को सहारा देने के लिए नक्काशीदार पत्थरों का बना स्तंभ है। आमतौर पे हिंदू मंदिरों में पश्चिम में द्वार नहीं होता, लेकिन इस मंदिर में यह देखने को मिलता है जो कि बहुत ही आश्चर्य पैदा करता है। पुरातत्व विभाग इस मंदिर का निर्माण 8वीं-9वीं सदी के बीच मानते हैं। मंदिर के बाहर में एक पाली भाषा और धम्म यानी कि ब्राह्मी लिपि में लिखा शिलालेख मिला है। फिर भी इस मंदिर के अनुयायी इस मंदिर का निर्माण 7.5 लाख साल पहले का बताते हैं। अब जरा सोचिए पाली भाषा के शिलालेख किस कालखंड के होते थे। मंदिर में 3 मूर्तियां स्थापित हैं। इस मूर्ति को आप ध्यान से देखें, क्या यह बुद्ध की मूर्ति आपको नहीं लग रही? लेकिन आज इस मंदिर में जो बैठकर रोजगार चला रहे हैं वो इस मूर्ति की मूल बनावट को कपड़े से छिपा कर रखते हैं ताकि उनकी पोल न खुल जाए और इसे सूर्य देवता कहकर प्रचारित करते रहते हैं। और तो और इसे त्रेता युग की काल्पनिक कहानी से भी जोड़ देते हैं। अब इस मंदिर की मूर्ति को आप ध्यान से देख लीजिए और इसी मंदिर की दीवार के बाहरी दिशा में सटी हुई एक ये मूर्ति भी आप ध्यान से देख लीजिए और खुद ही तय करें कि यह मूर्तियां किसकी हैं। वैष्णव मत द्वारा काबिज एक और प्रसिद्ध मंदिर है जगन्नाथ मंदिर। इस मंदिर का जीर्णोद्धार कलिंग राजा अनंत वर्मन चोडगंग देव ने 1174 ईस्वी में कराया था। दरअसल यह मंदिर 12वीं सदी से पहले भी थी, लेकिन यह एक बौद्ध स्तूप के रूप में थी। कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि उस स्तूप में गौतम बुद्ध का एक दांत रखा था। बाद में इस दांत को श्रीलंका पहुंचा दिया गया। इस काल में बौद्ध धर्म के अवलोकितेश्वर मार्ग को वैष्णव संप्रदाय ने मनुसात कर लिया और यह घटना लगभग 10वीं सदी की है और तभी से यह वैष्णव मंदिर में कन्वर्ट हो गया। अब आइए इस वैष्णव मंदिर में बुद्ध मंदिर होने के साक्ष्य पे गौर करते हैं। यह मंदिर वक्र रेखीय आकार का है जिसके शिखर पर 8 अंगों वाले मार्ग का प्रतीक चक्र है और इस चक्र के साथ बुद्ध का प्रतीक हाथी का भी सिर लगा हुआ।
हुआ है। और आप सभी को पता है कि अष्ट चक्र का मार्ग बौद्ध मार्गियों का ही होता है। साथ ही इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर दो सिंह भी विराजित हैं, जो सम्राट अशोक के रक्षित प्रतीक चिन्ह है। इसके साथ साथ इस मंदिर के मुख्य द्वार के ठीक सामने एक सम्राट अशोक का लाट भी खड़ा हुआ है, इसे भी आप ध्यान से देखें। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 10वीं से 12वीं सदी के बीच में जितने भी बौद्ध स्तूप थे, जो कि शैव मत द्वारा नहीं कब्जाए गए थे, उसे 11वीं सदी के रामानुजाचार्य द्वारा स्थापित वैष्णव मत ने कब्जा लिया। और ये वो समय काल था जब भारत में बौद्ध मार्गी यहाँ से पलायन होने के लिए मजबूर कर दिए गए थे। अगले वीडियो में मैं शक्ति पीठो यानी कि ब्राह्मण धर्म का जो शाक्त मत है, उसने कैसे बुद्ध को दुर्गा और काली बना दिया और कैसे इनने बौद्ध मार्गियों के ओम प्रतीक को भी कब्जा कर लिया, उसके बारे में डिटेल से चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी को पता चल सके कि भारत की जो सम्यक संस्कृति थी वह किस कीमत पे यहाँ से दफन की गई है। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।